नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूँ राधिका। देश भर में कोरोना की दूसरी लहर का कहर जारी है। कई राज्यों में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। वहीं बिहार में भी स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। यहां स्वास्थ्य का बुनियादी ढांचा मजबूत न होने के कारण भी हालात खराब होते जा रहे हैं। वहीं कोरोना वॉरियर्स अपनी जान की परवाह किए बगैर 24 घंटे ड्यूटी पर तैनात हैं। इसी बीच खबर है कि यहाँ कोरोना संक्रमण की चपेट में करीब 700 डॉक्टर्स, नर्स और पुलिस कर्मी आ गए हैं। पटना के बड़े अस्पतालों में इस वजह से जांच और इलाज प्रभावित हो रहा है। 90% स्टाफ संक्रमित होने के बाद कई निजी क्लिनिक और अस्पतालों का संचालन मुश्किल होने लगा है। कई बंद होने के कगार पर हैं। पिछले 2 हफ्ते में लगभग 500 डॉक्टर्स, नर्स, लैब टेक्नीशियंस और कई दूसरे कर्मचारी COVID-19 संक्रमण की चपेट में आ गए हैं। इसके अलावा 200 से ज्यादा पुलिसकर्मी भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। पुलिसकर्मी जिनमें कोरोना के लक्षण दिखते हैं उन्हें होम क्वारंटीन में रहने का निर्देश दिया गया है। बता दें कि बिहार में कोविड संक्रमण के दूसरे लहर की स्थिति विस्फोटक बनी हुई है। मंगलवार को कुल 1,06,156 टेस्ट किए गए, जिसमें एक दिन में 10,455 संक्रमित मिले। इसके साथ ही कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या 56,000 से ज्यादा हो गई। पिछले 24 घंटे में 51 लोगों ने कोरोना वायरस की वजह से अपनी जान गंवा दी है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।